हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अध्याय 8 में यानी कि पंच होल पैटर्न में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया है और मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था जो कि हम लोग बोर्ड से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सी परेशानी हो रही थी बोर्ड से पढ़ते टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो मैं आप लोगों को यहाँ बुक से पढ़ाने वाली हूँ ये चैप्टर इस चैप्टर से। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लो कि हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। फर्स्टली हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, सेकंड हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, देन इसको भी कंप्लीट कर लिया है बोर्ड में, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसको मैंने आप लोगों को होमवर्क बनाने को दिया था। एंड 6 एंड 7, ओके 6 तक मैंने आपको मतलब 1 क्वेश्चन ओनली दिया था शायद होमवर्क बनाने, और ये वाला हम लोगों ने नहीं किया था बोर्ड में। तो ये मैंने आप लोगों को हिंट्स दे दिया था और बता दिया था कैसे बनेगा, और ये मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क बनाने के लिए। राइट, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं, तो चलो हम लोग बोर्ड से ही बना लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं है? क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बुक से बताने लायक होगा तो मैं आप लोगों को बुक से ही बता दूंगी। ठीक है, जो क्वेश्चन बुक से बताने लायक नहीं है मतलब बुक बोर्ड में बताने लायक नहीं है, बोर्ड में नहीं बना पाएंगे, उसको हम लोग बोर्ड से बनाएंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परिचय, कागज मोड़ना का हल करने की विधि, और परिचय कागज काटना का और हल करने की विधि सब कुछ बता दिया है। तो हल करने की विधि ये सब जो है दोनों का मैंने आप लोगों को नोट करवाया था कॉपी में, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो भाग दो में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लोगे तो आप लोगों को इजी होगा समझने में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बोर्ड से समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने यहाँ तक इस क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो पहले मैं इसको मिटा लेती हूँ, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को शो किया था ना बुक से, वही वाला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोगों को क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और ऑलरेडी मैंने 6 नंबर का आप लोगों को खुद से बनाने को दिया था, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया गया है वो है ये, फर्स्ट प्रश्न चित्र, सेकेंड प्रश्न चित्र एंड देन थर्ड प्रश्न चित्र। ठीक है, अब हम लोगों को दिया गया है उत्तर चित्र, मैं उत्तर चित्र यहाँ पे बना देती हूँ। पहला हम लोगों को दिया गया है जो उत्तर चित्र में ये है फर्स्ट, देन सेकंड हम लोगों को दिया गया है, मैं आप लोगों को एक बार बुक से शो कर दूंगी। ठीक है, सेकंड देन थर्ड एंड द लास्ट वन फोर्थ। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, आई होप आपको 4th नंबर वाला दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को इधर कर देती हूँ, अब दिख रहा है ना? तो ये है हमारा ऊपर जो है प्रश्न चित्र है, और नीचे जो दिया गया हमारा वो है उत्तर चित्र। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, एक स्क्वायर शेप का पेपर ले लेना आप लोगों को।
पहले एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए, उसके बाद जैसे रूल्स फॉलो करने को कहा गया, जैसे मोड़ने को कहा गया है, सेम टू सेम हम लोगों को मोड़ लेना है। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर पेपर काट लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने ले लिया है एक स्क्वायर पेपर, ठीक है। पहले एक स्क्वायर पेपर लेना, फिर जिस तरह से रूल फॉलो करने को कहा गया वैसे हम लोगों को रूल फॉलो करना, यानी कि यहाँ से जो डॉट 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 दिया गया है उसका मतलब है कि उस जगह से मोड़ना। यानी कि मैं एक बार एरो भी बना के आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमारा थर्ड पिक्चर आएगा। तो फर्स्टली हम लोगों को किस तरह से मोड़ना, पहले हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया है, उसको हम लोग को एक पार्ट से इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। जैसा उसमें दिखाया गया हम लोगों ने मोड़ लिया, देन फिर से हम लोगों को इस पार्ट को इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला पिक्चर निकल जाएगा। तो इतना पतला सा है ना सेकेंड वाले में। अब थर्ड में क्या कि ऊपर से एक कटिंग करना है, यानी कि जिस तरह से कटिंग करना है मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोगों को कटिंग कर लेना है। तो हमारा आ गया थर्ड वाला पिक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेस्ड हमने किया था, जितना फोल्ड किया था उतना ही फोल्ड हम लोग वापस से इसको खोल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे हमारा कौन सा पिक्चर निकला। तो यहाँ है हमारा पेज जो हम लोगों ने फोल्ड किया था। अब इसको क्या करते हैं, इस तरह से खोल लेते हैं। अब देखते हैं हम लोगों का कौन सा डिज़ाइन निकला, यानी कि कौन सा वाला है जो हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा वाला है जो हमारा राइट आंसर है, फर्स्ट नंबर वाला। देखो देखिए आप लोग अच्छे से, जो हमारा कटिंग निकला है उसको फर्स्ट वाले से मिला के देखो, तो हमारा निकल रहा है ना फर्स्ट नंबर वाला हमारा है राइट आंसर, ठीक है। तो इसको कर देंगे टिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले मैं इसको मिटा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब पिक्चर बना लेते हैं जो हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया है पहले क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों को दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न चित्र, देन सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, ये हम लोगों को तीन प्रश्न चित्र दिया गया, एंड फिर हम लोगों का दिया जाएगा आंसर पिक्चर यानी कि उत्तर चित्र। तो चार हम लोगों को जो ऑप्शंस दिया गया है वो मैं बना लेती हूँ पहले। फर्स्ट उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शन, देन सेकंड हम लोगों को दिया गया है, ये ठीक है, देन थर्ड हम लोगों को दिया गया है, थर्ड एंड लास्ट वन जो हम लोगों को दिया गया है फोर।
थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। ये हम लोगों को चार ऑप्शन दिया गया। अब हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर पेपर, उसके बाद हम लोग देखेंगे जिस तरह से कहा गया करने को, सेम टू सेम हम लोग को करना है, स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग ले लीजिए स्क्वायर पेपर, जैसे मैं अभी लेने वाली हूँ एक स्क्वायर पेपर। तो हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया है। अब हम लोग को जैसे रूल फॉलो करने को कहा गया, सेम टू सेम हम लोग करेंगे, यानी कि नीचे से एक हिस्सा जो लेकर है यहाँ पे लाके फोल्ड करेंगे, जैसे आप लोग को एरो में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद एरो में क्या दिखाया गया, इधर वाला लाके यहाँ पे फोल्ड करना है, राइट। सेकेंड वाले पिक्चर में एरो में आप लोगों को दिखाया गया, सेम टू सेम आप लोग भी करोगे। एंड जो लास्ट वाला में है उसको क्या किया कि इधर एरो किया गया, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ लाके आप लोगों को फोल्ड करना है। उसके बाद वहाँ पे टू सर्कल्स कट करना है, यानी कि यहाँ और यहाँ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को कहाँ पे दो सर्कल कट करना है, दो होल्स बनाना है पेज में। तो इस जगह पे आप लोगों को टू होल्स बनाना है पेज में। तो अब आप लोग होल्स कटिंग कर लो, उसके बाद पेपर को जो है कट करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को कहा गया था, हम लोगों ने टू होल्स कर लिया। अब उस पेपर को जैसे जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया था, सेम टू सेम हम लोग उसको खोल के देखेंगे। अब देखते हैं हम लोगों को किस तरह से डिज़ाइन निकला है, ठीक है। तो हम मिला के देखेंगे, देखिए हम लोगों का डिज़ाइन किस तरह से निकला है। टू होल यहाँ है, टू होल यहाँ है, टू होल यहाँ है, एंड टू होल इस कॉर्नर पे, एंड फिर हर कॉर्नर पे टू टू होल्स है, यानी कि कौन से वाले से आपका मैच कर रहा है आप लोग देख सकते हो। आपका जो है थर्ड नंबर वाले से आपका पिक्चर जो है मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से एक स्क्वायर पेपर लेना पड़ेगा। तो पहले आप लोग कट करके रख सकते हो, और फिर पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। देखने वाले हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नंबर वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम स्क्वायर पेपर लेना, उसको इसी तरह से फोल्ड करना है, देन इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है फोल्ड, जैसे यहाँ पे किया गया है इस तरह से, देन हम लोगों को नीचे से इस तरह से एक फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक होल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे वन होल बनाना है। अब ले लेते हैं हम लोग एक स्क्वायर पेपर, उसके बाद हम लोग बना करके देखते हैं कि हमारा जो है कैसा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने फिर से एक स्क्वायर पेपर ले लिया है। अब जिस तरह से बोल रहा है रूल फॉलो करने, हम लोग सेम टू सेम उस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जैसे इसमें कहा गया वैसा हम लोगों ने फोल्ड किया, देन किधर से एरो गया है उसी तरफ से फोल्ड करना है, यानी किस तरफ से फोल्ड किए, उसके बाद किस तरह से गया है एरो, इधर से हम लोगों को एक फोल्ड करना है, राइट। उसके बाद बीच में मिडिल पार्ट में एक हम लोगों को होल करना है, किस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे होल करना है। अब हम लोग होल कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद पेपर को जो है जो हमने जिस तरह से फोल्ड किया था, हम लोग सेम टू सेम उस फोल्ड को खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन निकलता है। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शंस बना देती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी ऑप्शन आप लोगों का
जो दिया गया था, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन, देन हमारा थर्ड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है, एंड फिर हम लोगों को दिया गया है थर्ड ऑप्शन हमारा। ठीक है, ये ऑप्शंस हम लोगों को दिया गया है। अब मैं होल कर लेती हूँ पेज में जिस तरह से हम लोगों को करने को कहा गया है थर्ड वाले क्वेश्चन पिक्चर में। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे होल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को जिस तरह से होल करने को कहा गया था, हम लोगों ने टोटल में होल कर लिया है। अब क्या करते हैं, पेज को जिस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर पेपर को फोल्ड किया था सेम टू सेम, वैसे ही हम लोग खोल के देखेंगे कि हमारा कैसा डिज़ाइन निकल रहा है। ठीक है, तो कितना यहाँ पे 1 है। ठीक है, ध्यान से कर देती हूँ मैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरह से हमारा निकल गया है हमारा पिक्चर डिज़ाइन। अब देख लो कौन से वाले से आपका मैच कर रहा है। तो सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन से आपका जो है डिज़ाइन निकला है वो मैच कर रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बहुत ही ईजी दिया गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो स्किप कर रही हूँ। जो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ वो आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है क्वेश्चन, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है, एक पेपर लेना है, उस पेपर को इस तरफ से फोल्ड करना है, देन इस तरफ से फोल्ड करना है, और बीच में 2 सर्कल्स इस तरह से कट करना है। उसके बाद पेपर फोल्ड को खोलना है और फिर देखना है कि कौन सी वाला आपका मैच कर रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ठीक है, हम लोग बना के देखेंगे बोर्ड में 11 नंबर क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम देख लेते हैं हम लोगों को जो प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोगों को दिया गया है जो हम लोगों को बीच से यहाँ से फोल्ड करना है इधर दरख्त में, यानी कि इस साइड वाला पेपर को लाके इस जगह पे रखना है। देन सेकंड पिक्चर में हम लोगों को कहा गया है कि हम लोगों को इस पार्ट वाला पेपर निकल गया है ना, अब इस पार्ट को, ये वाला पार्ट को यहाँ लाके हम लोगों को फोल्ड करना है। देन थर्ड वाले पिक्चर में हम लोगों को कटिंग करना है, किस तरह से कटिंग करना है वो दिखाया गया है, यानी कि हम लोग के पास बचा बस ये वाला पार्ट। ये पार्ट हम लोगों के पास नहीं, बस ये पार्ट बचा है। सब कुछ फोल्ड करने के बाद फिर इस पार्ट को हम लोगों को इस पार्ट में 2 स्क्वायर्स कटिंग करना है। ठीक है, अब हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो पहले मैं 4 ऑप्शन बना लेती हूँ जो जो हम लोग को दिया गया, दिखाया गया है कि किस तरह से बन सकता है।
फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, तो मैं आप लोगों को एक बार बुक से भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन, फिर हम लोगों को दिया गया है थर्ड ऑप्शन। ये हमारा है थर्ड ऑप्शन एंड देन हम लोगों को दिया गया है फोर्थ ऑप्शन। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर पेपर, जैसे कि हम लोगों को हर क्वेश्चन में चाहिए। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर पेपर ले लेते हैं, देन हम लोग को कटिंग करके देखना है कि क्या फिर जिस तरह से रूल कहा गया उस तरह से हम लोगों को पहले रूल फॉलो करना है, उसके बाद हम लोगों को कटिंग करके देखना है कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन निकलेगा। तो पहले हम लोगों ने एक स्क्वायर पेपर ले लिया, उसके बाद जिस तरह से इसमें फोल्ड करने को कहा गया एरो के साथ दिखाया गया सेम टू सेम हम लोगों को फोल्ड करना, यानी कि इस पार्ट वाले को इस तरफ ला के फोल्ड कर देना है। देन एरो कहाँ दिखाया गया, ऊपर वाला पार्ट को यहाँ पर ला के फोल्ड कर देना है। देन हमारा निकल गया सेकेंड वाला पिक्चर। देन हम लोग को यहाँ पे एक स्क्वायर और यहाँ पे एक स्क्वायर कटिंग कर लेना है। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर कटिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कटिंग करने के बजाय हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग पेज को जिस तरह से हम लोगों ने फोल्ड किया था वैसे ही सेम टू सेम हम लोग खोल के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोगों का डिज़ाइन किस तरह से निकला, यानी कि हमारा डिज़ाइन इस तरह से निकला। अब आप लोग चार ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन सा वाला आपका मैच कर रहा है। तो फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा टोटल मैच कर रहा है जिस तरह से होना चाहिए। आप लोग को भी रूल फॉलो करना है, उसके बाद से ही कटिंग करना है, तभी आपका राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इस क्लास में मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क के साथ और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।